नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि अगर शादी की उम्र बीत जाए तो वे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सही उम्र में विवाह हो जाना ही सही माना जाता है। ऐसे ही आप सबने अपने बड़े बुजुर्गों को ये सब कहते हुए सुना होगा। लेकिन दोस्तों, शादी अगर सही उम्र में हो जाए तो शादीशुदा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आज के दौर में रिश्ते बनते भी जल्दी हैं और जल्द ही टूट भी जाते हैं, या फिर कई जातकों को अच्छे रिश्ते मिलते मिलते बहुत देर हो जाती है। ऐसे में हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि शादी में देरी होने की क्या वजह होती है। सबसे पहले आपको बता दें, शादी में देरी होने से क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपकी शादी की उम्र हो गई है या फिर आप शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन कहीं कोई बात बन नहीं पा रही है, ऐसे में इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बता दें, कुंडली का सातवां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, शादी के लिए दिशा कौन सी उपयुक्त रहेगी, जहां प्रयास करने पर जल्द ही शादी हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कुंडली में सातवें घर में शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र बैठे हों तो व्यक्ति को विवाह संबंधी रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक बात अवश्य जान लें, यदि इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह भी हो तो शादी में व्यवधान अवश्य आते हैं। जैसे कि राहु, मंगल, शनि, सूर्य, इनका कुंडली में सातवें घर में बैठना अशुभ साबित होता है, जिसके चलते अविवाहितों को किसी न किसी प्रकार की शादी में बाधाएं आती रहती हैं और दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि व्यक्ति की उम्र से ग्रहों की दशा और शादी ना होने का कारण पता लगाया जा सकता है। 20 से 25 साल की उम्र में शादी। ज्योतिषियों के अनुसार बुध ग्रह को विवाह का कारक माना जाता है। कहते हैं कि बुध कुंडली में सातवें घर में हो तो शादी जल्द होने के योग होते हैं। माना जाता है कि शादी अगर 20 वर्ष की उम्र में हो जाए तो कुंडली में अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। बताते चलें कि बुध के साथ सूर्य होते हैं तो 2 साल देरी से शादी होती है, यानी विवाह के योग 22 साल में बनते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि कुंडली में बुध सातवें घर में हो तो विवाह के योग प्रबल होते हैं। 25 से 27 साल की उम्र में शादी। माना जाता है कि कुंडली में सातवें घर में शुक्र, गुरु या चंद्र विराजमान हो तो शादी होने के संयोग 24 से 25 साल की उम्र में ही बनते हैं। अगर कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव हो तो शादी 2 साल बाद होती है, यानी शादी अगर 25 साल में होनी होगी तो 27 की उम्र में होती है। इसके अलावा शादी में कई तरह के विघ्न भी आते हैं। 28 से 32 वर्ष की उम्र में शादी। वहीं बात करें 28 से 32 साल के उम्र वालों की, तो बता दें कि सातवें घर में केतु, मंगल, राहु विराजित हों तो शादी होने में काफी देरी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सातवें घर में जितने अशुभ ग्रह होंगे शादी में उतनी ही देरी होने लगेगी। ये भी कहा जाता है कि सातवें घर में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति की शादी 27 वर्ष की उम्र से पहले नहीं होती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।